लास्ट थ्री वीडियो में जो आपने देखा फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपने उससे लाइव मार्केट पे अप्लाई किया होगा और आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड। और ये वीडियो ट्रेडिंग सेटअप नंबर 4 पर डिपेंड करती है फ्रेंड। आपने प्राइस एक्शंस के ब्रेकआउट्स के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन अगर आप आज गौर से देखें फ्रेंड तो वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो रियल ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स में क्या डिफरेंस है ये इस वीडियो में सिखाऊंगा फ्रेंड। कौन से ब्रेकआउट मोमेंट्स को कैच करना है और किसी कौन से ऐसा मोमेंट है ब्रेकआउट का जिसे हमें जाने देना है फ्रेंड। तो वो वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट मोमेंट्स को किस तरीके से प्रॉफिटेबल मोमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो। अब हम चौथे सेटअप पे जा रहे हैं जो है ब्रेकआउट मोमेंट्स। तो ब्रेकआउट मोमेंट किसे कहते हैं फ्रेंड? आपने कई बार सपोर्ट रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट देखे होंगे, आपने डिमांड सप्लाई के ब्रेकआउट देखे होंगे, आपने प्राइस एक्शंस के ब्रेकआउट देखे होंगे, या आपने दोस्तों ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट देखे होंगे, ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट देखे होंगे आपने, है ना। तो वो सारे ब्रेकआउट्स पे मार्केट जो है वो आपको ट्रेड देगी। तो ये ब्रेकआउट मोमेंट्स पे क्या करना है, जब मार्केट किसी भी प्राइस एक्शन को, सपोर्ट रेसिस्टेंस को, डिमांड सप्लाई को या ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है फ्रेंड, तो कई बार वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं और कई बार वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट भी होते हैं। तो वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा वहां पे जो टारगेट जोन होता है हमारा, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप हमें ड्रॉ करना है। और अगर हमारे टारगेटेड एरिया में कोई भी बैरिकेड्स आ रहा है, कोई भी प्रकार का रुकावट आ रही है, रुकावट कैसे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से, तो फिर हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको इसे एग्जांपल बताऊंगा फ्रेंड ट्रेड कहां पे नहीं करना है, और ये भी एग्जांपल बताऊंगा कि ट्रेड कहां पे करना है, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई भी टारगेटेड एरिया में फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो इसका मतलब होता है वो फेक ब्रेकआउट है। और ये भी ध्यान रखना कि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं आ रहा है तो वो रियल ब्रेकआउट है, तब आप उस ब्रेकआउट मोमेंट को कैच कर सकते हैं, ओके? बट आपको फिर से बता दो फ्रेंड, ट्रेड में एंटर करने से पहले एक बार फंडामेंटल को जरूर चेक कर लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जो मैं पॉइंट्स यहां पे आपको लिखवा रहा हूं फ्रेंड, और मैं आपको लाइव चार्ट पे इन चीजों को करके दिखाऊंगा, ओके? तो फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और रियल ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसका पहला पॉइंट है फ्रेंड, ये ब्रेकआउट्स ट्रेंड लाइन के हो सकते हैं, डिमांड सप्लाई के हो सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस के या प्राइस एक्शंस के भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है टारगेट एरिया में। अगर टारगेट एरिया में ये सारी चीजें हैं तो आप दोस्तों वहां पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं इसे। देखिए, अब मैंने कहा था कि मैं हर मार्केट से एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो अब मेरा जो एग्जांपल होगा वो क्रिप्टो का होगा फ्रेंड। मैं बीटीसी यूएसडी से एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, और बीटीसी यूएसडी पे हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हम अभी इस वक्त ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ब्रेकआउट मोमेंट को हम किस तरीके से कैच कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ये 4 आवरली टाइम फ्रेम है, बीटीसी यूएसडी का चार्ट है, और आप देख रहे हैं प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद प्राइस जो है वो यहां पे अप ट्रेंड में चल रही है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू फ्रेंड, आप यहां पे क्या करोगे, ये जो प्राइस का हाई गया था ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, और आप देख सकते हैं इसी हाई से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रखा है, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। क्या है ये? एक रेसिस्टेंस लेवल है।
और अगर ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है तो कई ट्रेडर फ्रेंड जो इस रेसिस्टेंस लेवल से सेल में बैठे हैं, इनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा और मार्केट इनका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा शायद। अब यहां पे देखिएगा, एक रेसिस्टेंस लेवल है और मैं बात कर रहा हूं ब्रेकआउट की। टाइम फ्रेम है 4 आवर का, हम यहां पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए और लोअर टाइम फ्रेम पे हम यहां पे इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस किसी भी प्रकार का हमें सेलिंग की प्रोबेबिलिटी दिखा दे। और यहां पे क्या हुआ फ्रेंड, एक रेसिस्टेंस लेवल है और ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया आपको ऊपर की तरफ। यू कैन सी इट हियर, प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया। तो कई ट्रेडर इसको रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट समझ लेते हैं और वो क्या करेंगे, यहां से एक बाय की ट्रेड डाल देंगे। जब वो बाय की ट्रेड डालेंगे तो उनका स्टॉप लॉसेस जो होगा फ्रेंड वो यहां पे होगा नीचे की तरफ, और वो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का कुछ इस तरीके से यहां पे रख लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड, अगर आपको कोई रियल ब्रेकआउट मिलता है तो आपका ये जो टारगेटेड एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हो टारगेट, इस एरिया में आपको ये देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप आ रहा है क्या। तो मैं चार्ट में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं और आपको शो करता हूं फ्रेंड कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या। एंड यू कैन सी इट हियर, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी की पूरी कैंडल के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप है। मैं इसे ग्रे कलर से आइडेंटिफाई कर देता हूं और यहां पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसे हम कहते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप, या आप इसे इम्बैलेंसेस का भी नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा, जब प्राइस ने ये लो ब्रेक किया था तो यहां पे चौक बना था, और जब ये चौक बना था तो सबसे ऊपर वाली ये जो कैंडल है फ्रेंड, ये आपका बियरिश ओबी बन रही है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। और आप अभी ट्रेड कहां कर रहे हो, उसी जोन में आप ट्रेड लेने जा रहे हो। तो क्या लगता है, ये ट्रेड आपकी जाएगी? मेरा मानना है फ्रेंड, या तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ जाएगा या वो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाएगा, और मेरा टारगेटेड एरिया जो है वो मुझे फेक ब्रेकआउट की वजह से, मैं इस ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। तो ये ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा, बट ये ट्रैप है फ्रेंड। यहां पे क्या होगा, प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया और उसके बाद आप देखें क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने नीचे आकर स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी। तो ऐसी ट्रेड, ऐसे मोमेंट से आपको बचना है। तो जब भी आप ये देखें कि किसी भी प्रकार की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस एक्शंस का ब्रेकआउट मिल रहा है, पैटर्न्स का ब्रेकआउट मिल रहा है, या डिमांड एंड सप्लाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वो जो आपका टारगेटेड एरिया होगा फ्रेंड ट्रेड लेने का, वहां पे आपको नोट करना है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और अगर वो चीजें वहां पे है तो ट्रेड नहीं करनी। मैं एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, और एग्जाम्पल है सिल्वर का। सिल्वर का भी हम सेम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, और ये एग्जाम्पल भी आप देखोगे तो हम इसे 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, और 4 आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये ट्रेड हमें टारगेट हमारा खराब करेगी वो चेक करते हैं। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड का है और कंसिस्टेंटली लगातार आप देखें तो यहाँ प्राइस एक सपोर्ट बना रही है, जिसको हम इक्वल लो भी कहते हैं फ्रेंड। तो ये सपोर्ट बन रहा है, इसका मतलब प्राइस का यहां से बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सपोर्ट से मार्केट बाय पे जाएगा। तो हम अभी यहां पे मान लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैं, और अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देती है फ्रेंड तो कई ट्रेडर यहां पे सेलिंग देखेंगे। तो ये देखें, ये ब्रेकआउट हो गया इक्वल लो का, और ट्रेडर कन्विंस हो जाते हैं कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, और ट्रेडर क्या करते हैं फ्रेंड, यहां से वो सेल की ट्रेड लगाएंगे, स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे जो भी उनका टारगेट है 1:2-3 वो लगाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आपका ये जो टारगेट एरिया है, इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या? और अगर आप चार्ट में पीछे जाके चेक करोगे तो ये पूरी की पूरी कैंडल में आप देखें फ्रेंड, यहां पे बिल्कुल एक फेयर वैल्यू गैप है, और मैंने आपको बताया ये गैप रिफिल करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, और हो सकता है कि ये रिफिल करके वो यहां से वापस ऊपर की तरफ लौट जाए। या फिर अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये अप ट्रेंड का मार्केट था, प्राइस ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, तो नीचे वाली जो सबसे लोएस्ट कैंडल है ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है यहाँ पे। तो ये दो प्रॉब्लम है आपके ब्रेकआउट में,
अब अगर आप यहां पे सेलिंग की ट्रेड लोगे तो ये लूजिंग ट्रेड आपकी हो सकती है, और हम देखें फ्रेंड अगर ये ट्रेड सेलिंग की हमने ली होती तो क्या होता, स्टॉप लॉसेस हंटिंग होता और प्राइस हमारे डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाता। तो मैंने आपको वो भी एग्जांपल दिखाया फ्रेंड कि कैसे ब्रेकआउट्स पे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। अगर किसी भी ब्रेकआउट के बाद वहां पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं है, आप बिल्कुल ट्रेड में एंट्री करो, वो रियल ब्रेकआउट है और आपको वहां पे प्रॉफिट जरूर मिलेगा।